वेलकम बैक टू माय लवली व्यूअर्स इन माय चैनल शीन एंटरटेनमेंट हब और आपकी दोस्त शीन आ चुकी है फिर एक नए सफ़र के साथ। व्यूअर्स, जैसा आप हम सब जानते हैं कि मेघालय में जब घूमने की बात करते हैं तो हमारे जहन में सुंदर प्रकृति, बादलों से घिरी जगह, झरनों, गुफाओं और लकड़ी से बने पुलों का एक दृश्य सा बन जाता है। उन्हीं दृश्यों में से मैं हर बार अपनी वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोमांचक जगह से परिचित कराती आ रही हूं और उसी श्रृंखला में मैं आज फिर एक नई जगह आपके सफ़र में जोड़ने जा रही हूं और ये जगह का नाम है मौसमाई केव जो कि चेरापूंजी में है। तो चलिए मेरे साथ इस सफ़र का अनुभव लीजिए और इस सफ़र पर चलते हैं और इसके बारे में जानिए कुछ रोचक बातें। फ्रेंड्स, हमने ये सफ़र शिलोंग से शुरू किया और मौसमाई केव तक पहुंचने में लगभग हमें 58 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी थी और जिसमें हमें 2 आवर्स का टाइम लगा। अगर चेरापूंजी से बात करें डिस्टेंस की तो मौसमाई केव तक पहुंचने में आपको चेरापूंजी बस स्टैंड से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा और अगर हम गुवाहाटी से डिस्टेंस की बात करते हैं तो आपको लगभग 153 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना होगा मौसमाई केव तक पहुंचने के लिए और जिसमें आपको अप्रॉक्स 5 घंटे का टाइम लग जाएगा। ये केव मौसमाई विलेज शोरा चेरापूंजी में पड़ती है। तो ये लीजिए, अब हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन मौसमाई केव पर और ये यहाँ की पार्किंग है। ये जगह फेमस टूरिस्ट प्लेस है इसलिए यहाँ पर सभी फैसिलिटीज़ आपको दिखेंगी। चलिए आगे आपको दिखाते हैं यहाँ की फैसिलिटीज़। ये देखिए, यहाँ पर काफ़ी शॉप्स हैं और यहाँ पर मेघालय की काफ़ी फेमस थिंग्स आपको देखने के लिए मिलेंगी जो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सबसे बड़ी फैसिलिटी है कि यहाँ पर खाने की व्यवस्था है। यहाँ पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट छोटे छोटे बनाए हुए हैं तो आपको यहाँ पर आते समय किसी तरह के खाने की व्यवस्था घर से नहीं लानी होगी। आप यहाँ आकर ईजिली कन्वीनियंट वे में रेस्टोरेंट में जाकर आप खाना खा सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने मौसमाई केव के एंट्रेंस गेट पर। यहाँ पर कुछ आपको एंट्रेंस फी पे करनी होगी और यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है मौसमाई केव के लिए। तो अब यहाँ से शुरू होती है मौसमाई केव के अंदर जाने की यात्रा। आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि इंडिया की डीपेस्ट एंड लॉन्गेस्ट 10 केव में से 9 केव्स मेघालय में हैं और उनमें से एक जो लास्ट बच जाती है वो मिज़ोरम में है और इन 9 केव में से आज जहाँ हम सफ़र करने आए हैं मौसमाई केव भी उनमें से एक है। Thank you.
में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको स्पेस तो दिखेगा, पर साथ ही काफ़ी जगह पर रास्ता इतना नैरो हो जाता है कि आपको रोलिंग कर कर या पैरों के बल पर बैंड होके निकलना होता है उस रास्ते से, जैसा कि आपको इस समय अभी दिखाई दे रहा होगा। यद्यपि ये केव काफ़ी लंबी है, पर यहाँ पर केवल टूरिस्ट के लिए डिस्टेंस जो कवर करनी है वो 150 मीटर की है, और बाकी जो सेक्शन है वो लगभग क्लोज किया हुआ है। ये पूरी केव अगर आप देखें तो नेचुरल फॉर्मेशन से बनी हुई है, और यहाँ पर टोटली आपको लाइमस्टोन देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप पत्थरों की बनावट देखोगे। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी कि यहाँ की रूफ़ और नीचे पत्थर जो भी आप यहाँ पर देखेंगे वो थोड़ा सा स्केरी टाइप के दिखाई देंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर स्टेलटिस एंड स्टेगमिट्स भी काफ़ी सारे देखने के लिए मिलेंगे जो काफ़ी स्केरी लगते हैं। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough, calluses on my hands so rough. Yeah, I call your bluff, I'm not the one. Mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide, cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. होपफुली आपको ये जगह बहुत ही अच्छी लग रही होगी, और जो एडवेंचर्स लवर हैं या जो केव एक्सप्लोर करना चाहते हैं उनके लिए ये जगह बहुत ही अच्छी है। वो यहाँ आ सकते हैं, यहाँ विजिट कर सकते हैं। I've
I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. ये केव दो पार्टों में डिवाइडेड है. एक यहाँ पर लाइटेड है जिसमें हम अभी विजिट कर रहे हैं, और एक दूसरी केव है यहाँ पर, सेकंड केव है जो कि लाइटेड नहीं है, उसको हम आगे देखेंगे. तो ये थी हमारी मौसमाई केव के अंदर की विजिट, और ये अब हमें बाहर आ चुके हैं. और यहाँ पर कई सेक्शन और भी डिवाइडेड हैं जहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूँगी कि आप केवल उसी रास्ते से एंट्री करें जहाँ से आपको लाइटिंग दिखाई दे रही है. इस जगह को एक्सप्लोर करने के बाद मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर 3 साल से छोटे बच्चे या ज़्यादा एजिड लोगों के साथ आना थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होगा. अगर यहाँ विजिट के बेस्ट टाइम की बात करें तो यहाँ पर पोस्ट मानसून के बाद, कहें तो सितंबर से फरवरी तक का समय काफ़ी अच्छा है यहाँ आने के लिए, क्योंकि इस गुफा में पानी के अंदर आने के काफ़ी सोर्स हैं जिसके कारण मानसून के समय में यहाँ पर पानी भर जाता है. फ्रेंड्स, ये है मौसमाई केव का सेकेंड पार्ट जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, पर हमने इसकी विजिट नहीं की थी क्योंकि लाइटिंग नहीं था और हमारे साथ काफ़ी सारे बच्चे थे. अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ मौसमाई केव के एग्ज़िट गेट पर, और यहाँ जो शॉप्स मैंने पहले दिखाई थी उस शॉप्स पर हम यहाँ पर लास्ट में रुके, और यहाँ पर हमें काफ़ी अट्रैक्टिव थिंग्स दिखाई दे रही थी. हम शॉप्स तक पहुँचे और वहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी जो कि लोकल थिंग्स थी. काफ़ी कुछ हमें अच्छा लगा और हमने यहाँ परचेज भी किया. मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इस शॉप पर ज़रूर आएँ जब भी आप यहाँ विज़िट करते हैं. यहाँ पर बनी लोकल थिंग्स, हैंडमेड थिंग्स को आप देखिए, आपको अच्छी लगती हैं तो आप परचेज भी कर सकते हैं. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. तो फ्रेंड्स, अब हमारी यहाँ पर मौसमाई केव की विज़िट ख़त्म हुई. और आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये जगह कैसी लगी, आप कमेंट करके इस कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए. इसी तरह की नई नई जानकारी, नए सफ़र और नई वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक ज़रूर करें, जिससे सबसे पहले आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस की जानकारी मिल पाए.
अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और इस वादे के साथ कि मैं दोबारा जल्द ही आपके साथ एक नए सफ़र और एक नई वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए अलविदा। आपका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams made.